Hello everyone, welcome to LK Academy. My name is Veer Pratap Singh and हम इस सेशन के साथ हम हमारा कुरुक्षेत्र का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुरुक्षेत्र मैगज़ीन के लिए मंथली वीडियोस बनाएंगे. ऑलराइट, एंड जो भी डिटेल्स कुरुक्षेत्र के अंदर मेंशन्ड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. ऑलराइट, नाउ कुरुक्षेत्र मैगज़ीन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है फर्स्टली, एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो सबसे पहली बात तो देखिए, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन जो है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट का इशू है ये. ऑलराइट, गवर्नमेंट इशूज़ दी बुकलेट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो इशूज़ डिस्कस होते हैं, इट इज़ सिमिलर टू द पैटर्न दैट इज़ अडॉप्टेड व्हाइल फ्रेमिंग अ आंसर. कुरुक्षेत्र के अंदर इन डेप्थ एनालिसिस रहता है अबाउट वेरियस टॉपिक्स जो सरकार के रिलेटेड है. ऑलराइट, दैट आर प्रिवेलिंग करंटली इन दी एनवायरनमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी इसके अंदर डेटा रहता है इट इज़ ऑथेंटिक, क्योंकि ये खुद ही जो डेटा इसके अंदर रहता है, ये वो जो भी ऑथर्स रहते हैं इसके, वो अडॉप्ट करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट डेटा. ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो बुक्स है ये एक भंडार है डेटा का, जिसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर. ऑलराइट, सो इस वजह से कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलराइट, नाउ जब हम इस महीने के एडिशन की बात करें, सो दिस मंथ्स एडिशन इट इज़ रिलेटेड टू द यूनियन बजट. ऑलराइट, जो सरकार ने बजट के अंदर जो वेरियस डाइमेंशंस के ऊपर जो एलोकेशंस किए हैं उसके ऊपर. नाउ मैगजीन्स का सबसे खास बात ये रहता है कि इंस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ गवर्नमेंट बुकलेट, ये जो है ये मैगजीन्स, ये जो शॉर्टकमिंग्स है, जो चैलेंजेस हैं उसको मेंशन करती है, उसको हाईलाइट करती है. ऑलराइट, एंड ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड. सो इसीलिए जब मैंने बोला कि ये वही पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं जिस पैटर्न में आंसर्स लिखे जाते हैं यहाँ पे, तो एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, अफोर्डेड मटेरियल दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, सो जब हम इस मंथ के एडिशन की बात करते हैं, इट इज़ दी बजट एडिशन. ऑलराइट, सो बजट के रिलेटेड जो भी वेरियस प्रोविजंस हैं ऑन वेरियस हेड्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, उसके बारे में वील बी टॉकिंग अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ऑलराइट, अब सबसे पहला जो है हमारा आर्टिकल, इसका टाइटल दिया गया था मैगजीन के अंदर, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इनकम ग्रोथ. ऑलराइट, सो विद द टाइटल इटसेल्फ, सी हमारे इस सेशन के अंदर हम जो हैं वील नॉट बी फोकसिंग स्ट्रिक्टली ऑन फैक्ट्स, बट देन हम जो है हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. व्हाई? बिकॉज फैक्ट्स के लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं. ऑलराइट, एंड फैक्ट्स दे आर गोइंग टू बी फैक्ट्स, बट देन ये जो कॉन्सेप्ट्स है इसका क्लैरिटी जो है, जो उसके बैकग्राउंड के अंदर जो उसके इम्प्लीकेशंस होंगे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के, या उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, ऑलराइट, देन उसके मेजर्स क्या रहेंगे, वील बी टॉकिंग अबाउट दैट more of it. Alright, so that you develop a thinking power. And जब आपका thinking बढ़ेगा तो फिर आपका एक logical awareness बढ़ेगा. जब logical awareness बढ़ेगा तो वो आपके automatically prelims के अंदर आपको eliminate करने में help करेगा. Alright, so here जब भी हम discuss करें, we'll be discussing more on the mains aspect and the interview aspect and not on the prelims aspect. Why? Because when you are preparing for mains and interview, you automatically prepare for the prelims. ऑलराइट, सो सबसे पहला जो आर्टिकल है, अब इसके अंदर दे मेंशन अबाउट द वेरियस स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर एज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इज वेरी मच, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल है. ऑलराइट, देन हमारा जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो आउटपुट्स हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स होते हैं दे आर ऑल्सो यूटिलाइज इन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री.
ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस पर्टिकुलर बजट के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, ऑलराइट, और अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं. नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड विद दी फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट, ऑलराइट, सो मतलब इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑलराइट. जब एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके इम्प्लीकेशंस हैं, वो अन्य बहुत सारे हैं. दैट इज़ इन्वेस्ट सी फर्स्टली एग्रीकल्चर के अंदर ये जो वेरियस इश्यूज हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, जिसके वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी नहीं है, अलग अलग इन टूडेज टाइम ड्यू टू चेंजिंग क्लाइमेट, ऑलराइट, तो उसके वजह से फूड लॉसेस बहुत हो जाते हैं, पेस्ट अटैक्स बहुत हैं, ऑलराइट, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रही है. व्हाई? बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फ्लडिंग के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दैट इज फील्ड फ्लडिंग के ऊपर, ऑलराइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है. सो कहीं ना कहीं ये जो सारे इश्यूज है जो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर से रिवॉल्व कर रहे हैं, उस वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उसका वो डिक्लाइन हो रहा है. बट इन दिस कोविड पैंडमिक इसके अंदर हमने ये देखा कि जहाँ पर सारे सेक्टर्स डिक्लाइन हो रहे थे, वहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर ही बस एक ऐसा सेक्टर था जो इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन इट वॉज ग्रोइंग. Alright, in spite of lockdown. Now here, as we see that, in spite of global and domestic supply chain disruptions, where economy contracted by 7.2% of gross value added, agriculture वहाँ पे it grew by 3.4% of gross value added. So आप देख रहे हैं, in spite of the such a disastrous effect, yet agriculture grew. So agriculture का ये importance है, इस वजह से यहाँ पे उसके बारे में mention किया गया है. अब budget जो है वो agriculture के बारे में क्या बोलता है? The aim of the budget for the agricultural sector is to revive the economy, accelerate growth and generate employment. Alright, apart from that, it is committed towards the upliftment of rural India. Alright, later on it is also committed towards stimulating investment and diversification leading to higher incomes to farmers. Alright, so this is the basic objective of the budget towards the agricultural sector. Apart from that, the focus of the agricultural budget, it was on developing the existing infrastructure and spurring the investments and credit in the allied sector. जैसे मैंने बोला, agricultural infrastructure नहीं होने की वजह से क्या implications होते हैं, alright, so जब agricultural का infrastructure रहेगा, agri infrastructure, तो उसके वजह से बहुत सारे positive implications रहेंगे, that is farmers के losses कम होंगे, alright, connectivity बढ़ेगा, then prices of the the farmers will get effective prices for their products, alright, and apart from that commodity trading और ज़्यादा boost हो सकता है, ओके. एंसिलरी सेक्टर्स जो रहेंगे, एलाइड सेक्टर्स जो रहेंगे, वो ज़्यादा बूस्ट हो सकते हैं. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे हो सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बूस्ट हो सकती हैं. ऑलराइट, सो ये सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ऑलराइट, सो सरकार ने इस बजट के तहत क्या किया है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देखिए. सरकार ने 900 करोड़ रुपीस पेग किया है, मतलब अलग किया है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए. ऑलराइट, और इसके बेनिफिट्स जैसे अभी मैंने आपको जर्नलिस्टिक टोन में बताया, तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इट विल पुश एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब बढ़ेगा तो इट विल पुश एंटरप्रेन्योर्स फॉर इनोवेशन बाय लेवरेजिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑलराइट, एंड ऑल्सो इट विल रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, इंक्रीज द वैल्यू रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स. ऑलराइट, एफिशिएंसी बढ़ाएगा फार्मिंग के एक्टिविटीज़ के अंदर. ऑलराइट, फार्मर्स का रेम्यूनरेशन बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, तो अपने आप रेम्यूनरेशन बढ़ेगा. गवर्नमेंट का जो एम है ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम, वो बढ़ेगा. गवर्नमेंट का जो एम है डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय 2022, वो अचीव होने में मदद करेगा. व्हाई? बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं. ऑलराइट, एंड
देखिए, ये होने के बाद सरकार ने इस बजट के तहत ये पैक किया है इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, सरकार ने एपीएमसी के लिए क्या बोला है कि ये जो पैसे जो सरकार ने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं, इसके अंदर से एपीएमसी भी पैसा ले सकता है ताकि वो अपने जो उसके सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑलराइट, सो इसके पहले वाले बजट के अंदर सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दी अदर फार्मर्स रिलेटेड, लेकिन इसके इस बजट के तहत वो ए पी एम सी के ऊपर ज़्यादा फोकस उन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने ये मदद लेना है। इसके बाद जो है सरकार ने जैसे टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इंटीग्रेट करने के लिए ईनैम को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात कही है, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि और भी ज़्यादा हमें इसे एक्सटेंड करना है। अभी तक जो है 1.68 करोड़ फार्मर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, लेटर ऑन देखिए, क्रेडिट टुवर्ड्स द फार्मर्स ये बहुत ही बड़ा इशू है। ऑलराइट, जिसके तहत और जिसके वजह से फार्मर्स जो है वो मनी लेंडर्स से पैसा लेते हैं, एंड देन वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, पेजेंट जो होते हैं वो पॉवर्टी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ऑलराइट, सो इसको बाईपास करने के लिए और फार्मर्स को चीप क्रेडिट देने के लिए, सफिशियंट क्रेडिट देने के लिए सरकार ने इस बजट के तहत एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बढ़ा दिया है बाय 1 लाख करोड़ रुपीज टू 16 लाख करोड़ बाय 2021। इसके पहले जो था इट वाज ओनली 15 लाख करोड़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बढ़ा दिया है बाय 33%। ओके, इसके साथ साथ सरकार ने कुछ और भी मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ऑपरेशन ग्रीन हो गया, ठीक है, इट वाज एक्सटेंडेड टू 22 पेरिशेबल कमोडिटीज विच विल फर्दर सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एट फार्म लेवल। इसके बाद 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स बनाए गए हैं, बनाने जाने वाले हैं कहाँ, एंड दीज फिशिंग हार्बर्स दे विल बी नोन एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे कोची के अंदर, चेन्नई के अंदर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेंटुघाट के अंदर। ऑलराइट, सो इनको मैप, ये जो लोकेशन है इनको मैप में अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगाया गया है ओवर गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहलिक बेवरेजेस, कोल एंड कॉटन। ये सेस है, याद रखिएगा, सेस इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द सेंटर। ओके, सो ये सेस के तहत जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा, ये सेस का जो भी पैसा आएगा ये स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क ही यूज़ किया जाएगा। ऑलराइट, दैट इज़ एग्रीकल्चरल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो स्वामित्व स्कीम है, दैट इज़ मैपिंग ऑफ विलेज एरियाज थ्रू टेक्नोलॉजी, ऑलराइट, थ्रू ड्रोन्स, ताकि इसके वजह से लैंड रिलेटेड इश्यूज कम रहे, लिटिगेशन कम रहे। इसको एक्सटेंड कर दिया है टू कवर ऑल दी स्टेट्स। फिर जैसे मैंने बताया ऑपरेशन ग्रीन के बारे में, देन एग्रीकल्चरल क्रेडिट बढ़ा दिया गया है, 1000 मोर मंडीज दे विल बी इंटीग्रेटेड विद ईनैम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटेटिवनेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स एपीएमसी यूज कर सकती है टू आर्ग्यूमेंट देयर फैसिलिटीज। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये मैगजीन्स जो है ये इश्यूज भी हाईलाइट करती है। सो इन्होंने क्या इशू हाईलाइट किया कि पीएम किसान पोर्टल के अंदर 11.62 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ओनली 10.4 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट्स मिला अंडर पीएम किसान। मतलब देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1.5 करोड़ फार्मर्स। ऑलराइट, सो ये एक इशू हाईलाइट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइजिंग फूड सब्सिडी बिल, ये दूसरा इशू हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर मैगजीन के इस आर्टिकल के अंदर। और फिर इन्होंने बोला कि बायस्ड यूज़ ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर के वजह से इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ज़मीन का न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो रहा है। ऑलराइट, सो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए बोला कि वी कैन ब्रिंग यूरिया अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, एंड ऑल्सो वी कैन अडेप्ट टू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द सिटीजन्स। अब जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि वो पैसा जब उनको मिलेगा डायरेक्टली, तो वो सोचेंगे कि हाँ नहीं, मेरे को एफिशिएंटली पैसे को यूज़ करना है। डाइवर्सिफिकेशन रहेगा कि वो कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर वो पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें इतना ही पैसा मिल रहा है, तो वी हैव टू यूज़ इट इफेक्टिवली। ऑलराइट, सो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं।
नाउ आफ्टर दिस एग्रीकल्चरल आर्टिकल जो इन्वेस्टमेंट को फोकस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ग्रोथ को बढ़ाने के लिए था, नाउ दूसरा आर्टिकल जो है इट फोकसेस ऑन हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन. ये जो टैगलाइन है यू कैन यूज इट, ऑलराइट यू कैन यूज इट इन द मेन्स आंसर ऑल्सो. अब कोविड पैंडमिक के वजह से हेल्थ ये एक बहुत ही बड़ा जो है इशू हो गया है. ऑलराइट प्रोटेक्टिंग हेल्थ इट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सरकार ने बोला था कि हम पैसा बाद में वापस कमा लेंगे लेकिन जीवन बाद में वापस नहीं आएगा. ऑलराइट सो इसी वजह से द गवर्नमेंट इट वॉज मच मोर फोकस्ड टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द हेल्थ, हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया. सो इस बजट के ऊपर भी हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है. नाउ लेट्स सी अबाउट इट क्या है. अब इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है कि कोविड 19 इट इम्पैक्ट्स ऑन द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स मेक्स द हेल्थ सेक्टर एट द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन रिवैम्पिंग. ओके हेल्थ सेक्टर के अंदर बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ के ऊपर रखा गया है. नाउ बजट अनाउंसमेंट इज अलाइंड विद द आत्मनिर्भर भारत अभियान एज इट टेक्स मल्टीपल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सेक्टर. ऑलराइट अब हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर वेरियस इश्यूज है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, R&D कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऑलराइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर बहुत कम पैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, बहुत कम पैसे एलोकेट किए जाते हैं. हमारा जो डॉक्टर पेशेंट्स का रेशियो है वो बहुत कम है, WHO गाइडलाइन से भी जो है हमारा बहुत ज़्यादा है. ऑलराइट देन द प्रिवेलिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन आयुष डॉक्टर्स एंड दी एलोपैथिक डॉक्टर्स. तो ये जो वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग मसाइल हैं, देन हाई हेल्थ केयर कॉस्ट हो गया जिसके वजह से जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन वो एक्सक्लूड हो जाती हैं. सो ये सब वेरियस इश्यूज हैं जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर चल रहे हैं, अभी हैं. ऑलराइट एंड गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स लिए हैं इस पर्टिकुलर इश्यूज को बाईपास करने के लिए. फॉर एग्जांपल सबसे पहले आयुष्मान भारत को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ऑलरेडी जिसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था. देन उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मेजर्स लिए गए थे. ऑलरेडी देन उसके बाद जो है एट दी रूरल लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाया गया, ऑक्सिलरी मिडवाइफ नर्स को लाया गया. ऑलरेडी सो ये जो सारे प्रोविजन्स है, ये जो अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग पार्टिसिपेशन है, इनको इंक्लूड किया गया है. ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स चालू किए हैं फॉर दी हेल्थ केयर ऑफ दी रूरल पीपल. ओके ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम रहे. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स देर इज अ सेइंग दैट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 60% ऑफ द इनकम, 60% से भी ज़्यादा इनकम जो ये गरीब मजदूर कमाते हैं ये अपने हेल्थ और फूड के ऊपर खर्चा करते हैं. ओके सो ये एक सबसे बड़ा इशू है हेल्थ केयर. ऑलराइट सो इस पर्टिकुलर बजट के अंदर एलोकेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 94,000 करोड़ टू 223,000 करोड़ राउंड फिगर. ऑलराइट दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 137%. देख रहे हैं आप, मतलब इट इज अ जायंट लीप, इट इज अ जायंट लीप टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर. खुद हमें बनाना है, खुद उत्पादन करना है और खुद ने खुद के सिटीजन्स को वो सारे सुविधाएं प्रोवाइड करनी है जिसके वजह से हमारा जो नेशन है वो हेल्दी रहे. विद दिस टैगलाइन दी कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा बजट का उद्देश्य है. ऑलराइट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें इकोनॉमिक सर्वे ने 2018 के अंदर बताया था कि हमारा इंडिया का हेल्थ स्पेंडिंग जो है जब हम GDP के टर्म्स में उसे रखें, दैट इज सेंटर और स्टेट्स का मिला के, सो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.8%, जो कि अगर इंटरनेशनली देखें तो बहुत कम है. ऑलराइट अपार्ट फ्रॉम दिस इस पर्टिकुलर बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो है प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना भी स्टार्ट करी है. ऑलराइट प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना,
इसके अंदर क्या मेजर्स हैं इसके बारे में, सी दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट देन इसको मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है. व्हाई? बिकॉज ये GS2 का पार्ट हो सकता है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के अंदर. ऑलराइट, सो इसके ऊपर जब हम बात करें तो व्हाट इज दिस अबाउट, इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2021. ऑलराइट, 21-22. देन इट एम्स टू डेवलप capacities of the primary, secondary and tertiary care healthcare systems even in the last miles of the nation. Okay, so ye iska aim hai. Apart from that, it also wants to develop a modern ecosystem for researching, testing and treatment in the country itself. आत्मनिर्भर के lines पे, ठीक है, in the country itself. ये आत्मनिर्भर के lines पे है. Apart from that, इसका funding कैसे होगा? इसका funding जो रहेगा, it will be centrally sponsored. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या कि स्टेट और सेंटर दोनों भी मिलके से इक्वल अमाउंट में और विथ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस वो लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फंड करेंगे. ऑलराइट, यूजुअली द रेशियोज दे आर 60:40. ऑलराइट, फॉर द नॉर्मल स्टेट्स, बट देन व्हेन इट कम्स टू हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट बिकम्स 90:100. एंड व्हेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटरीज तो वो जाके हो जाता है 100. पूरा सब खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका ड्यूरेशन जो है वो बताया गया है कि इट इज 6 years. अब इसके ऑब्जेक्टिव भी क्या था कि इसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि टू इन्वेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हेल्थ इंक्लूडिंग इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज एज वेल एज रूरल एरियाज. तो ये बेसिकली जो है ये सिटीज के अंदर एज वेल एज रूरल एरियाज के अंदर इंप्लीमेंट होगा. प्रीलिम्स के अंदर अगर बोला जाए कि सिर्फ ये रूरल एरियाज के अंदर होगा तो नहीं, बोथ सिटीज एज वेल एज रूरल. व्हाई? बिकॉज टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के अंदर भी इंप्लीमेंट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, इट विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विच इज इन द लाइमलाइट. ऑल राइट, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जिसके 5 रीजनल ब्रांचेज हैं एंड 20 मेट्रोपोलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट्स को लाना. ऑलराइट, देन इसके बाद जो है देयर इज एक्सपांशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल. ओके, एंड विच विल कनेक्ट ऑल द पब्लिक हेल्थ लैब्स एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर योजना इट विल हेल्प इन रोलिंग आउट द COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज वेल एज स्ट्रेंथन द डिलीवरी सिस्टम एंड बिल्ड अ बेटर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू कॉम्बैट फ्यूचर पैंडमिक्स. अब देखिए ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन है हेल्थ के अंदर, इट फोकसेस ऑन इंक्रीज्ड एलोकेशन टुवर्ड्स द हेल्थ. ऑलराइट, R&D ज़्यादा करें, हेल्थ लैब्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, देन जो नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से हो, स्क्रीनिंग लोगों का और अच्छे से हो, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए लोगों का वो अच्छे से देखा जाए. ऑलराइट, देन जो जीनोम है इंडियन पॉपुलेशन का जीनोम है उसको प्रॉपरली मैप किया जाए ताकि आने वाले ऐसे अगर डिजीज आएंगे तो हम उसे इफेक्टिवली टैकल कर सकें. ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग सच अ डायनेमिक बजट एंड सच इनिशिएटिव्स. ऑलराइट, इसके बाद जो है इस बजट के तहत जैसे कोविड पैंडेमिक की वजह से एलोपैथी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये चर्चे में रहे हैं. वाई? बिकॉज ट्रेडिशनल मेडिसिन ये एक जरिया था टू टैकल द COVID-19 पैंडेमिक. ऑलराइट, सो इसके वजह से क्या किया गया कि आयुष जो मंत्रालय है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया. आयुष इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. ऑलराइट, जिसके अंदर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन इंक्लूडेड है. सो आयुष के लिए इन्होंने कैसे फोकस किया है कि सी सो द आर्टिकल इट मेंशन दैट इट सेज दैट द बजट सेज आफ्टर स्वच्छ भारत देयर इज अ नीड टू मेक स्वस्थ भारत. ऑलराइट, सो एंड दिस कैन हैपन थ्रू अवेयरनेस अबाउट राइट न्यूट्रिशन लाइफ स्टाइल एंड योगा. For this reason, the government, it has increased the allocation of Ministry of Ayush by 40% in the budget estimates for 2020-2021.
ऑलराइट, सो दिस इटसेल्फ टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द आयुष सेक्टर। इसके बाद जो है मिशन पोषण 2.0 सरकार ने इस बजट के तहत लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल्स ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि इनका जो है जब न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो जब इम्यूनिटी बढ़ेगा तो ये जो सारे डिजीजेज है जो आ रही हैं वो जो है हमारे पॉपुलेशन को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, और जब इतना इफेक्ट नहीं करेगा तो इकोनॉमी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेगा, इकोनॉमी नॉर्मली चलता रहेगा और हमारे लॉसेस नहीं होंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होगा, ऑलराइट, इनकम उतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज नहीं होगा, पॉवर्टी नहीं होगा, ऑलराइट, देन फूड सिक्योरिटी का फूड इनसिक्योर हम नहीं रहेंगे, फूड हमारा सिक्योर रहेगा, ऑलराइट, सो ये जो सारे पर्सपेक्टिव्स हैं इसको लेके मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया। अब क्या बोलता है ये कि इट वॉज लॉन्च्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स बाई मर्जिंग द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान, सो दिस कैन बी अ पॉइंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। ऑलराइट, अब दूसरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स क्या हैं जो सरकार ने ऑलरेडी स्टार्ट किए हुए हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ऑलराइट, देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, रोटा वायरस के लिए शुरू किया था, न्यूमोनोकल वैक्सीन शुरू किया था, ऑलराइट, तो इसके तहत हमें ये पता चलता है कि सरकार जो है न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। न्यूट्रिशन के साथ साथ सरकार जो है इस बजट के तहत सरकार ने स्वच्छता के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ पे हेल्थ और हाइजीन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है कि हाइजीन रहे, लोग जो है लोग हाइजीनिक रहे, अपने हाथ धोए लगातार, ऑलराइट, दे शुड बी मच मोर अवेयर, ऑलराइट, अबाउट दीज हेल्दी कॉन्सेप्ट दैट आर टू बी अडॉप्टेड इन दी लाइफस्टाइल। ओके, सो स्वस्थ भारत स्वस्थ लोग, ओके, सो इस बेसिकली नारे के साथ वो आगे अपना जो है इकोनॉमी को और हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए ये जो हमारा आगे वाला टॉपिक है, इट इज टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ अ $5 trillion इकोनॉमी, ऑलराइट, सो ये हमारा टारगेट है, करंटली बीइंग वी आर एट 2.92 trillion, ऑलराइट, 2.92 trillion, और हमें अचीव करना है 5 trillion, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $2 trillion का फ़र्क है जो हमें अचीव करना है, ऑलराइट, सो अब ये $2 trillion का फासला हम कैसे तय करेंगे, सो ये बजट जो है इसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स जो है वो ले डाउन करता है, ऑलराइट, सो इसके अंदर सबसे पहले बजट क्या बोलता है कि जो हमारे सारे इश्यूज अब तक रहे हैं हमें उसके ऊपर चलना है, सो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है इस साल के अंदर सरकार ने लिया था 2020 में, वो था आत्मनिर्भर भारत पैकेज। सो अलोंग विद द आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो अदर स्टेप्स जो सरकार ने या आरबीआई ने लिए थे, ऑलराइट, टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल ऑफ $5 trillion इकोनॉमी, उसका टोटल हो रहा था अमाउंटिंग टू 27.1 lakh crore, दैट इज 13.13% ऑफ द GDP, ऑलराइट, सो अभी ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो है हमें अगर अचीव करना है टूवर्ड्स द $5 trillion गोल, सो वी विल हैव टू enhance, revamp the agricultural processes. Then we have to bolster the infrastructure. Infrastructure के ऊपर enhance spending करना पड़ेगा, उसे efficient बनाना पड़ेगा, effective बनाना पड़ेगा infrastructure. ऑलराइट, transportation को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो railway हो गया, चाहे वो roadways हो गया, चाहे वो waterways हो गया. Apart from that, हमें trade के अंदर हमें boost करना है. अब trade के अंदर सरकार ने कौन से measures लिए थे, सरकार ने बोला कि अब हम in trade हमारा deficit अभी हमारा चल रहा है मेजॉरिटी, सो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक न्यू ट्रेड पॉलिसी लाई जो अप्रैल से स्टार्ट होगी, अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी, सो 2021 टू 2026 तक ये हमारा न्यू ट्रेड पॉलिसी चलेगा। इसके साथ साथ सरकार ने स्टेप लिया है कि जो MSMEs जो हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया जाएगा, ताकि MSMEs को कॉम्पिटिशन कम हो और MSMEs का जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ने
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने की कोशिश की, सो दैट यू नो एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम इट इज़ इन लाइन विद द गांधीयन थॉट ऑफ यू नो प्रमोटिंग द रूरल इकोनॉमी. सो इसके ऊपर सो ट्रेड रिलेटेड ये पर्सपेक्टिव्स सरकार ने लिए हैं ऑलरेडी टू हैंडल द एक्सटर्नल सेक्टर. नाउ फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, सरकार ने जो है इस पर्टिकुलर लॉकडाउन के फेज में और निकलने के बाद भी इन्होंने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया था ऑलरेडी उसको और ज़्यादा फोकस करने के लिए. फिर जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे उनको एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है टूवर्ड्स द पेंशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा दोनों भी तरफ का सरकार देगी. जब 1000 एम्प्लॉयज़ के नीचे है, जब उसके ऊपर है तो एक साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% सरकार देगी. सो ये वेरियस इनिशिएटिव सरकार ने लिए टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑलराइट, जो कि एक एम है ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट. अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने वेरियस स्टेप्स लिए, एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने के लिए लिया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लिया, देन ईनाम को और बढ़ाने के लिए लिया, देन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लिया. सो ये उसके अंदर लिया. सो ओवरऑल देखा जाए तो ऑल दीज मेजर सेक्टर्स जो है दे हैव बीन एड्रेस्ड बाय द पर्टिकुलर बजट ऑलराइट. सो जब हम इस मैगजीन को पढ़ रहे होंगे सो आपने कंडेंस फॉर्मेट में पढ़ना है ऑलराइट, ताकि आप सप्लीमेंट कर सके एक जो डेटा है दूसरे डेटा के साथ. अलग अलग आप इस पर्टिकुलर मैगजीन को है जो नहीं पढ़ सकते हैं, वाई बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि क्या क्या रिफॉर्म लिए गए हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं, न्यू एक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर, न्यू डेफिनेशन फॉर MSMEs के नए डेफिनेशन बनाए गए टू बूस्ट देयर प्रोडक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के स्कीम्स को लाया गया ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो योजना है उसको और बूस्ट मिल सके ऑलराइट. हेल्थ के अंदर जो है जैसे मैंने इसके पहले डिस्कस किया प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, फिर जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री ऑलराइट. सो ये वेरियस स्टेप्स लिए गए. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो लेबर कोड्स है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज थे उसको लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया. कोड ऑन वेजेस ऑलराइट, ऐसे करके चार वेजेस चार कोड्स बनाए गए फॉर लेबर एफिशिएंसी, ताकि कंपनीज जो है वो क्लियर गाइडलाइंस रहे, क्लियर रूल्स रहें टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लेबर्स के भी जो इंटरेस्ट हैं उसे फुलफिल करने की बात करी है. अपार्ट फ्रॉम दैट रिफॉर्म्स किए गए इन द पावर एंड द मिनरल सेक्टर. कोल माइनिंग के अंदर इन्होंने न्यू कोल माइनिंग का लाया जिसके तहत नए जिनका कोल बैकग्राउंड नहीं है वो लोग भी आ सकते हैं. द प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ कोल कैन बी डन. कोल के साथ साथ और कोई मटेरियल निकल रहा है तो उसका भी वो ढूंढ सकते हैं ऑलराइट. सो ये जो वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. दिस वॉज इन कंक्लूजन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द रोड मैप टू अटेन अ $5 trillion economy. All right. Now the next article coming after a $5 trillion economy is women. All right. Women, they are more than 45% of our population. Women, ye inka importance it has been highlighted in the budget. Really very much important. अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया के अंदर वेरी मच बहुत सारा स्टीरियोटाइप्स हैं ऑलराइट, बट देन दिस बजट जो है, दिस बजट इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन वुमेन एज वुमेन एम्पावरमेंट. इट इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ दिस बजट, जो ये बजट एम करता है अचीव करने के लिए. ओके, नाउ सी व्हाट डज द बजट से हियर अबाउट द आत्मनिर्भर वुमेन. ऑलराइट, सी फर्स्टली द नीड ऑफ द आर इज आत्मनिर्भरता. The proposed budget initiatives and investments across sectors and schemes have the potential to reorient the lives of women and make nutrition and healthcare more accessible to them as their job prospects brighten through relevant skill training, new employment opportunities, and across to cheaper credit, ultimately making them self-reliant and financially independent. So the budget, it focuses on, जैसे आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा है वैसे ही आत्मनिर्भर वुमेन का भी स्वप्न ये बजट साकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इसके तहत उन्हें इफेक्टिव क्रेडिट देने की बात करता है अंडर PM स्वनिधि, दैट इज स्ट्रीट वेंडर्स प्रोग्राम के तहत उन्हें कैपिटल देने की बात करता है फॉर
ड्यू टू द कोविड पैंडमिक, जिसके वजह से उनका स्ट्रीट वेंडर्स का पूरा जो बिजनेस चौपट हो गया था, तो वापस से उनको वर्किंग कैपिटल देगा. ऑलराइट, सो उसके अंदर वुमेन को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वुमेन के लिए स्टार्ट किए गए थे. जो वुमेन ने कोविड पैंडमिक की वजह से अपना जॉब लूज किया, उसके अंदर इनको काम देने की बात की. ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये बजट और जो सरकार के कदम है, इट इज फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट विद दैट गोल. ऑलराइट, अब देखिए, इस पैंडमिक की वजह से एवरीवन हैड टू स्टे इन देयर हाउसेस. ऑलराइट, देयर वाज अ लॉकडाउन. नाउ इन दैट लॉकडाउन वुमेन, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इनकी परेशानियां पड़ गई थी. दे हैड इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल्स. ऑलराइट, एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए थे. व्हाई? बिकॉज एवरीवन हैड टू बी कन्फाइंड, एवरीवन हैड टू बी रेस्ट्रेन्ड. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, वुमेन जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है मेजॉरिटी ऑफ द नर्सिंग और द लोअर लेवल मेडिकल फील्ड्स के अंदर, दैट इज नर्सेस के अंदर. ऑलराइट, सो इनका दे वर हाईली वल्नरेबल. ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वुमेन, इनको बच्चों और बूढ़ों के ख्याल रखना था. सो एंड इवन द ओल्ड एज पीपल एंड द यंगर किड्स, दे वर ऑल्सो वल्नरेबल टू द पैंडमिक. सो दैट मेड द वुमेन मच मोर वल्नरेबल. ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं इस पूरे पैंडमिक के अंदर सबसे ज्यादा जो जिसने सहा है वो है वुमेन. और उसी के अंदर जो सरकार ने कदम भी उठाए हैं, इट वॉज स्पेसिफिकली इन्होंने वुमेन के प्रति और डेवलप करने के लिए इन्होंने कदम उठाए. अब सी नाउ, योर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, ये अपने स्पीच के अंदर बोलती हैं कि दिस ईयर्स बजट, इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द संकल्प ऑफ द नेशन फर्स्ट, डबलिंग फार्मर्स इनकम, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट. ऑलराइट, सो ये जो है, दीज आर द मेजर आउटलाइंस ओवर विच द गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो पर्टिकुलर बजट है, ये वुमेन के रिलेटेड क्या बोलता है? देखिए, उज्ज्वला स्कीम को और एक्सटेंड कर दिया टू 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज. उज्ज्वला स्कीम जो है, इट वॉज एलपीजी स्कीम. ऑलराइट, इनिशियली इसके अंदर ये था कि 5 करोड़ का टारगेट था, फिर उसके बाद 8 करोड़ का टारगेट कर दिया, फिर अभी जो है, अभी और इन्होंने 1 करोड़ और एक्सटेंड कर दिया है, दैट इज 9 करोड़ कर दिया. सो इसको बढ़ा दिया ताकि वुमेन को और ज्यादा बेनिफिट मिल सके. ऑलराइट, वुमेन के अंदर डिजीजेज ना हो. वाई? बिकॉज इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से अलग अलग डिजीजेज हो सकते हैं. ऑलराइट, लंग कैंसर हो सकते हैं, तो ताकि वो ना हो. ऑलराइट, सो ये एक मेजर स्टेप लिया गया है बाय द बजट. अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा स्टेप जो है वो लिया गया है कि वो है वुमेन, दे विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरीज एंड ऑल्सो इन नाइट शिफ्ट विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन. ऑलराइट, वर्क कैटेगरी के अंदर इनको और ज्यादा लिबर्टी दे दिया गया है. सो अब इसके वजह से जो है मार्केट्स और खुल जाएंगे. मार्केट्स नाउ दे विल बी मोर प्रमोटेड टूवर्ड्स हैविंग वुमेन एज एम्प्लॉइज. ऑलराइट, और जब वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हाउस होल्ड का पॉवर्टी लेवल जो है वो कम होगा. वाई? बिकॉज इनकम, फैमिली इनकम लेवल बढ़ जाएगा. ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं इट इज अ अपलिफ्टमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड बाई गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन. देन द नेक्स्ट मेजर स्टेप दैट वॉज टेकन वॉज अ न्यू स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, विच स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन. ऑलराइट, एंड इसके बाद लास्टली जो वन ऑफ द मोस्ट मेजर स्टेप्स है वो है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ये जो है, इट वॉज फोकस्ड टू आशा हो गए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो गए, तो ये जो लोअर लेवल, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो वुमेन हु आर एसोसिएटेड इन द मेडिकल फील्ड, जो डोर टू डोर सर्विस कर रहे हैं, ये उनके लिए है ताकि वो बेनिफिट हो सकें. ऑलराइट, सो ये दीज वर द मेजर बिल्स and the major steps that the government in a whole they have adopted to it. Alright, so with this we end our session over this magazine discussion, and we'll be coming up with a new session whenever the next magazine comes up.
ऑलराइट। सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इन डिटेल उनको ओवरऑल होलिस्टिक व्यू से हमने डिस्कस किया। ओके, सो वी डिड नॉट गो मच इनटू फैक्ट्स, बट देन यू विल आल्सो फॉर वंस रीड द कुरुक्षेत्र मैगजीन। क्यों? क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे, वाई? बिकॉज पढ़ने में और सुनने में अंतर होता है। जो हम बोलते हैं वो आपका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाएगा, बट जब आप पढ़ोगे वो आपका वोकैबुलरी बढ़ाएगा, विच विल बी हेल्पफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो वी विल बी कमिंग अप। हम अभी अगले सेशन के टाइम पर मिलेंगे जब नया कुरुक्षेत्र का मैगजीन आएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।